कोई ने प्रश्न दिया है, जो सरेंडर हो करके बाद में बाबा को छोड़कर जाके ही शादी करते हैं, तो क्या वो भी 16,000 की लिस्ट में आते हैं? शादी कर ली तो बर्बादी कर ली, काहे की बर्बादी कर ली? अपने पद की बर्बादी कर ली। फिर भी अगर दोबारा ज्ञान में आ जाते हैं युगल को भी उठाते हैं तो कुछ न कुछ ऊंट पद मिल सकता है। हो सकता है राज परिवार में भी आ जावे। ये राज परिवार जो राजा ही प्राप्त करने वाला परिवार है वो है ही 16,000 का। गीता पाठशाला में बेटा और बहू को नहीं रखना है अगर भिखारी है। अर्थात ज्ञान में नहीं चलते। और फिर गीता पाठशाला का ही भाई अर्थात युगल विकार भोगना चाहता है और माता नहीं चाहती है तो क्या करना चाहिए? बांधे भी माताएं होती हैं तो बांधेली माताएं क्या करती हैं? ज्ञान में चलना छोड़ देती है क्या? नहीं छोड़ देती। उनका पति तो नहीं छोड़ता है तो ज्ञान में नहीं चलने वाला है। अगर ज्ञान में चलने वाला भी हो और फिर भी विकार भोगना चाहता है तो कहेंगे कि पति भी अज्ञानी है। फिर माता क्या ज्ञान में चलना छोड़ देगी? नहीं छोड़ सकती। अगर सच्ची है तो अपने ऊपर जब अत्याचार होता है तो अपने को मुर्दा बनाएगी। बाप की याद में ऊपर उड़ जाएगी, उस पर कोई दोष नहीं लगेगा। अगला प्रश्न है, कोई भी आत्मा हो, पुरुष हो या स्त्री, बाबा का परिचय मिला, एक बार की निश्चय बुद्धि हुआ, भट्टी भी कर ली, उसके बाद धीरे धीरे पवित्रता की इच्छा जागने लगी, पवित्रता के संस्कार उस आत्मा में पिछले जन्म से आए हो या अभी के जन्म में बाबा का परिचय पाने के बाद आए,
का मार्गदर्शन करिए। अरे तो ठिकाने लग गई, मार्गदर्शन क्या करें? अगर नीचे गिरती है तो मार्गदर्शन करने की बात है। शिव बाबा के सिवाय कोई राजयोग की पढ़ाई पढ़ाई नहीं सकता। राजयोग अर्थात राजा बनाने की पढ़ाई, परंतु बाबा द्वापर युग में चाणक्य ने तो राजनीति की पढ़ाई पढ़ाई। तो उस पढ़ाई में और ईश्वरीय पढ़ाई में क्या अंतर हुआ? द्वापर युग से जो राजाएं हुए हैं वो सब हिंसक राजाएं हुए हैं या अहिंसक राजाएं हुए हैं? हिंसक राजाएं हुए हैं। मनुष्य गुरु हिंसा करने वाली पढ़ाई पढ़ाते हैं और बाप आकर अहिंसक बनाते हैं। ये है ही नर से नारायण या मनुष्य से देवता बनने वाली पढ़ाई। देवताएं हिंसा नहीं करते हैं, वो ही देवताएं द्वापर युग से द्वैतवादी जब बन जाते हैं तो हिंसक हो जाते हैं। वो मनुष्य मत की पढ़ाई है। और ये ईश्वरीय पढ़ाई है। बाबा मीरा की शादी हो गई, फिर भी उसने कृष्ण को ही अपना पति माना। उसकी बेहद में शूटिंग कैसे होती है? मीरा को टाइटल क्या मिला हुआ है? मीरा कृष्ण के प्रति क्या संबंध रखती थी? परमेश्वर नहीं, मीरा दासी। मीरा अपन को कृष्ण की दासी समझती थी। मीर कहा जाता है शाहजादी को, और मीरा कहा जाता है शाहजादी को। जगदम्बा बेटी है, बाप के साथ क्या संबंध है? है बेटी का संबंध है, परंतु वो तो कृष्ण को भगवान समझती है। कृष्ण को ही अपना पति सब कुछ समझती है। कृष्ण ही उसके लिए भगवान है। दूसरा कोई भगवान नहीं, दूसरा कोई पति परमेश्वर नहीं।
वो जगदम्बा का पाठ संगम युग में भी आज से अंत तक मनसा के अंदर जो धारणा बैठती है भगवान के प्रति, वो कृष्ण की आत्मा को ही भगवान का साकार रूप समझती है। उसकी बुद्धि में संपन्न होने की तेज आने तक भी, संपन्न होने के बाद नहीं, गीता का भगवान कौन है, कृष्ण ही बुद्धि में बैठते हैं। दूसरा कोई बुद्धि में नहीं बैठता। अगला प्रश्न है, क्लास के टाइम कोई कोई को बहुत नींद आती है और कोई को नींद नहीं आती है, इसका मतलब क्या है? चाहे ज्ञान का क्लास हो, चाहे याद का क्लास हो, सारा दिन नींद नहीं आएगी और याद के टाइम पर, मुरली के टाइम पर नींद आएगी, तो इससे साबित होता है कि आत्मा के ऊपर पापों का बोझ ज्यादा चढ़ गया है। जो बोझा उसे पुरुषार्थ करने ही नहीं देता है। जिनको नींद नहीं आती है उनके ऊपर ज्यादा बोझा नहीं है, जल्दी ही पुरुषार्थ करके गैलअप कर सकते हैं। बाबा ने मुरली में कहा है कि जब बाप दृष्टि देते हैं तो आंखें खोलकर बैठना चाहिए, परंतु जितने भी धर्म पिताएं हैं उन सबकी आंखें बंद हैं, ऐसा है? है? महात्मा बुद्ध का चेहरा जहाँ जहाँ पुराने चित्र हैं, सब जगह आंखें खुली हुई दिखाई गई हैं। गुरु नानक के चेहरे में आंखें खुली हुई दिखाई गई हैं। क्राइस्ट के चेहरे में भी आंखें खुली हुई दिखाई गई है, परंतु निराकारी स्टेज झलकती है। उन धर्म पिताओं के चित्रों में बंद आंखें नहीं दिखाई गई हैं। शंकर वाली आत्मा की याद के समय आंखें बंद हैं, भक्ति मार्ग के चित्रों में आंखें बंद दिखाते हैं, आधी खुली हुई और निराकारी स्टेज में दिखाते हैं। तो किसी ने गलत देख लिया है, या तो टीवी में बम्बैया लोगों ने जो चित्र बनाए हैं उन चित्रों को देख लिया है, क्योंकि उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि धर्म पिताएं वो भी धर्म पिताएं हैं,
और शंकर वाली आत्मा भी धर्म पिता है। ब्रह्मा वाली आत्मा भी धर्म पिता है। सभी धर्म पिता है, खुली आंखों वाले हैं और उनके चित्र भी मिलते हैं। अगर कोई सरेंडर होकर घर जाना चाहता है चाहता है घर गया तो नहीं, चाहना बात एक अलग और प्रैक्टिकल में कर देना बात अलग हो जाती है। तो घर जाना चाहता है फिर वो दोबारा यज्ञ में आ जाए तो उसकी शूटिंग क्या होती है? कारण है अकारण है? घर जाना होता है, कोई परमिशन लेकर के घर जाते हैं, कोई बिना परमिशन के चले जाते हैं, तो दोनों का अलग अलग हिसाब किताब होगा या एक ही होगा? हिसाब किताब तो अलग अलग हो जाएगा। जो परमिशन लेके जाते हैं और टाइम की लिमिट लेकर के जाते हैं, उस टाइम के अंदर ही अगर वापस आ जाते तो कोई बोझ नहीं, और परमिशन भी लेकर के नहीं गए और टाइम की लिमिट बता करके भी नहीं गए, अवज्ञा करके चले गए, फिर कोई जल्दी वापस आ जाए या कोई देर से वापस आ जाए तो हिसाब किताब तो जरूर बनेगा। बाबा जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तब बाहर की दुनिया को के बड़े बड़े सन्यासी या गुरु लोग या दीदी दादी को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने इतनी तपस्या की लेकिन हमको भगवान नहीं मिला, इन साधारण मनुष्यों को भगवान मिल गया, जिसे जिन्हें दुनिया में कोई पूछता भी नहीं था। तो फिर उन सन्यासी गुरुओं दीदी दादियों आदि की जिन्होंने इतनी तपस्या की उनकी क्या हालत होगी? तो बाबा ने बता दिया, बोलेंगे हो प्रभु तेरी लीला अपरम अपार, जो हमने नहीं पहचाना और जो साधारण समझे जाते थे उन्होंने पहचान लिया, समझेंगे कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म खोटे हैं, इस जन्म के भी कर्म खोटे हैं जो दुनिया को हमने बुद्धू बनाया, और इनके कर्म अच्छे हैं। ये अंदर बाहर से भगवान की नजरों में साफ हैं और हम साफ नहीं हैं, इस बात का एहसास करेंगे अमृत वेला तो रोज होती है लेकिन कभी कभी प्यार भरी याद आती है और कभी संकल्प भी नहीं चलता, तो कैसे करने से हर दिन अच्छी याद रहेगी? जितना अर्पण में होंगे उतना दर्पण पावरफुल बनेगा
और जितना ज्ञान का दर्पण पावरफुल बनेगा उतना दूसरों को अच्छा समझा सकेंगे, अच्छी सेवा कर सकेंगे। और जो सेवा अच्छी करते हैं उनको बाप याद करता है। बाप किन बच्चों को याद करता है? हैं? सर्वसेवल बच्चों को याद करता है। तो जिन सर्वसेवल बच्चों को बाप याद करेगा उनकी याद तो जरूर तीखी हो जाएगी। उनकी खासियत यही होगी बच्चों की कि तन से, मन से, धन से, समय से, संबंधियों और संपर्कियों से, सब प्रकार की शक्तियों से बाप की सेवा में लगे रहना और प्यार से लगे रहना। एक होती है खींच खींच करके जोर जबरदस्ती सेवा करना और एक होता है प्यार से सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना। तो ऐसी आत्माएं अमृत वेले तो क्या हर समय मस्ती में रहेंगी। सेवा ही मेवा का खुराक देती रहेगी। सेवा नहीं करेंगे मेवा लेने के अधिकारी बनते रहेंगे। हर दिन चढ़ती कला का होगा। कोई ने टीवी देखा और टीवी में कश्यप ऋषि को पतला पतला दिखाई दिया है और द्वितीय अदिति को मोटा मोटा दिखाई दिया है। तो प्रश्न किया है कश्यप ऋषि इतना पतला क्यों है और द्वितीय अदिति इतनी मोटी क्यों दिखाई गई है? एक सीरियल बनाएगा तो मोटे आदमियों को रख देगा रोल प्ले करने के लिए और वही सीरियल दूसरा व्यक्ति बनाएगा तो पतले आदमियों को रख सकता है। इसमें क्या बड़ी बात हो गई? हाँ ये कह सकते हैं उसका नाम है काश्यप। काश्य अर्थात तेज, याद का तेज, और पा माने पीने वाला, अर्थात उसकी रुचि भोग भोगने में नहीं लगी होगी, खाने पीने में नहीं लगी होगी। याद की शक्ति को पीता होगा। याद रूपी तेज को पीने वाला है। जो जितना कड़ा तपस्वी होता है तो शरीर से क्रश हो सकता है बाकी जीती को तो पतला ही दिखाया जाना चाहिए। नहीं अदिति को, अदिति को तो पतला ही दिखाया जाना चाहिए। क्योंकि वो योगिनी है
भोग भोगने वाली नहीं है। दैत्यों की माँ दिति को भोग भोगने वाली दिखाया गया है। जो भोगी होते हैं वो मोटे ताजे हट्टे कट्टे होते हैं, जो योगी होते हैं वो मोटे ताजे हट्टे कट्टे कैसे होंगे। पांच चार वर्ष के बाद ड्रामा ज्यों का त्यों रिपीट होता है। तो किस पुरुषार्थ के आधार पर ड्रामा में कुछ परिवर्तन किया जाए। परिवर्तन की गुंजाइश है नहीं है, क्योंकि दुनिया का एक एक अणु जैसे आत्मा अनुरूप है, आत्मा चैतन्य है, अणु जड़ है, तो जो अणु जहां से 5000 वर्ष के साइकिल में यात्रा करना शुरू करता है, अथवा जो भी आत्मा जहां से यात्रा करना शुरू करती है 5000 वर्ष का चक्र पूरा होने के बाद वो वैसा ही चक्र पूरा करके वहीं पहुंचती है, और 5000 वर्ष की यात्रा में हर अणु और हर आत्मा का अपने अपने टाइम पर वही पार्ट उदा हुआ है। वो टाइम की सुई आती है और वो ही पार्ट चलता है। परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है, और परिवर्तन की जरूरत क्यों है। परिवर्तन की जरूरत तो तब हो जब हमें आगे और पीछे का पता हो। हमको आगे और पीछे का पता है, है? तो हम किस बात का परिवर्तन करेंगे। इस जीवन में जितना घटित हो चुका है उसको भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस जीवन में भी जो कुछ घटित हुआ है वो समय की सुई के आधार पर घटित हुआ है, और हरेक आत्मा का हरेक अणु का अपना अपना घटना चक्र है अपने तरीके से। एक का चक्र नहीं मिल सकता दूसरे से। त्रेता युग में कौन सी आत्मा जाकर के पुरुषोत्तम पार्ट बजाएगी, राम या सीता वाली आत्मा। पुरुष किसे कहा जाता है? पुरुष माने है? पुरुष माने आत्मा। शरीर रूपी पुरी में शयन करने वाली अर्थात पुरुष। तो शरीर रूपी पुरी में आत्मा ही शयन करती है। वो आत्मा
पुरुषोत्तम कौन से युग में बनती है? कलयुग में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में, या जब भगवान आता है तब उत्तम बनती है? है पुरुषोत्तम संगम युग में जो आत्मा जितनी उत्तम बन सकती है उतनी और किसी युग में पुरुषोत्तम नहीं बन सकती। अब वो चाहे राम वाली आत्मा हो चाहे सीता वाली आत्मा हो, हाँ शास्त्रों में जिस पुरुषोत्तम राम का गायन है वो गायन त्रेता युग का नहीं है, त्रेता युग की शूटिंग का हो सकता है, लेकिन शास्त्रों में जो भी गायन पूजन यादगार त्योहार दिए हुए हैं वो संगम युग की यादगार हैं। सतयुग त्रेता की कोई हिस्ट्री शास्त्रों में नहीं है। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री सुख ही सुख की हिस्ट्री है, जहां अपरम अपार सुख है वो अपरम अपार सुखों की हिस्ट्री मनुष्य नहीं बनाता। मनुष्य जब दुखी होते हैं तो एक एक दिन करके गिनते हैं, तब हिस्ट्री बनती है। तो सतयुग त्रेता में तो दुख था ही नहीं, वहां दिन गिने जाते नहीं थे, समय की कोई गिनती नहीं होती थी, इसलिए हिस्ट्री बनने का सवाल ही नहीं। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है दो दो धर्म दो दो राज्य दो दो कुल दो दो मतें शुरू हो जाती है तब झगड़े टंटे की दुनिया शुरू होती है, मारामारी की दुनिया शुरू होती है, दुख की दुनिया शुरू हो जाती है, अशांति की दुनिया शुरू हो जाती है। तो आदमी दुखी होने लगता है तो एक एक दिन गिनता है, तब हिस्ट्री बनती है। और वो हिस्ट्री चाहे हिंदुओं की हिस्ट्री हो, शक संबत हो, हूण संबत हो, विक्रम संबत हो, चाहे क्रिश्चियंस की हिस्ट्री हो, ख्रिस्ती संबत, इसे ईसाई संबत कहा जाता है, चाहे मुसलमानों का संबत हो, हिजरी संबत, वो सब संबत 2500 वर्ष के अंदर बने हुए हैं। जब इस सृष्टि पर मनुष्य दुखी होने लगा तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हिस्ट्री त्रेता की भी हिस्ट्री नहीं है, त्रेता में भी सुख दो कला कम हो जाता है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम की हिस्ट्री संगम युग की कहेंगे। जो संगम युग में सीता वाली आत्मा पूरी मर्यादा पुरुषोत्तम का पार्ट बजाती है वही त्रेता युग में जाकर के नौवां जन्म लेकर पुरुष चोला धारण करती है और राम की उपाधि धारण करती है।
इसलिए त्रेता में पुरुषोत्तम राम का गायन है। कोई माता गीता पाठशाला को मिनी मधुबन बनाना चाहती है बाबा ने तो बोला हुआ है, अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन भी दिया हुआ है। गीता पाठशाला को ऐसा नक्शा बनाओ जो मिनी मधुबन दिखाई दे। जैसे मधुबन की स्थिति और चाल दिखाई देती है, ऐसे ही आत्माएं आकर के वहां शरण लें और प्रसन्न होकर के जाएं। आत्मा आत्मा भाई भाई का अनुभव तक पहुंचे, नहीं तो ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण के अनुभव तक पहुंचे। हमारा सारा ब्राह्मण एक परिवार है, एक चूल्हा है, एक मान्यता है, एक कुल है, एक ही गुरु है और एक ही सुप्रीम टीचर है। मधुबन में मधुसूदन का राज्य दिखाई दे, ऐसा गीता पाठशाला का नक्शा बनाओ तो बाप दादा से पूछने की दरकार ही नहीं रहेगी। गीता पाठशाला को बाप दादा स्वयं ही मिनी मधुबन का टाइटल दे देंगे। कौन सी बीच के गीता पाठशाला कोड करा है? कोडक करा ये कहाँ पर है? है कौन से जिले में? केरला। केरला में कोडकरा बीके गीता पाठशाला में मुझे निमित्त बना दिया है। वहां की आत्माओं को माउंट आबू मधुबन में ले जाने में कोई दोष है? मिनी मधुबन पहले वाले पर्चे में था, इसमें लिखा है मुझे कोडकरा बीके गीता पाठशाला में निमित्त बना दिया है इंचार्ज। मुझे वहां की आत्माओं को माउंट आबू मधुबन में ले जाने से कोई दोष है क्या? बाप भगवान पंडा बनकर के आता है, शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताने के लिए आता है। पंडा बनकर के कहाँ का रास्ता बताता है? सुख धाम और शांति धाम का रास्ता बताता है। हम उस पंडा बाप के बच्चे हैं
पंडे तो हमको कहाँ का रास्ता बताना है? बाप के घर का रास्ता बताना है। अब बाप क्या माउंट आबू में बैठा हुआ है? बैठा हुआ है, है? तो काय के लिए जहाँ वो भक्त लोग पंडा बन करके यात्रियों को तीर्थों में ले जाते हैं, पहाड़ों पे ले जाते हैं अमरनाथ का दर्शन कराने के लिए, केदारनाथ ले जावेंगे, बद्रीनाथ ले जावेंगे, पहाड़ों पर मूर्तियों का दर्शन करने जाते हैं, जड़ मूर्ति का दर्शन होता है या भगवान मिल जाता है? है तो वो तो है भक्त, वो तो भगवान को जानते नहीं है। और हम तो कहते हैं हमने भगवान को पा लिया है, हमने भगवान को जान लिया है। और जानने वाले भी कहे कि हम आत्माओं को कौन से पहाड़ पे ले जाएंगे? माउंट आबू पहाड़ पे। तो माउंट आबू पहाड़ पे भगवान बैठा है, भगवान बैठा है या ट्रांसलाइट की जड़ मूर्ति रखी हुई है? क्या रखा हुआ है? जड़ मूर्ति रखी हुई है। तो भक्ति में और ज्ञान में कोई फर्क ही नहीं रह गया। बाकी बाप कहते हैं कोई अगर भक्ति करना चाहता है तो उसको करने दो, पूछा है ना? वहाँ की आत्माओं को मुझे माउंट आबू मधुबन में ले जाने में कोई दोष है क्या? तो बाप कहते हैं भक्ति करने में कोई दोष नहीं, ले जाओ। तब तक भक्ति करते रहो जब तक तुम्हारी भक्ति पूरी ना हो जाए। जब भक्ति पूरी हो जाएगी तो ज्ञान अपने आप आ जाएगा। श्रेष्ठ स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए? सतयुग में देवताओं की श्रेष्ठ स्थिति थी, त्रेता में भी श्रेष्ठ स्थिति थी, द्वापर में स्थिति नीचे गिरने लगी, कलयुग में तेजी से स्थिति नीचे गिरने लगी। इसका खास कारण क्या हुआ? नहीं, क्यों भटक गए? क्यों छोड़ दी? देवहन भी क्यों आ गया? कोई कारण तो बताओ। है भटकने क्यों लगे, कारण बताओ। दैहिक सुख, वो दैहिक सुख क्यों भोगने लगे? हाँ, जो भी ऊपर से धर्म पिताएं आए उन्होंने मति ब्रह्म पैदा कर दिया, उनके संग का रंग भारतवासियों को लगा। उनके साथ अन्न दोष भी लगा, तो अन्न दोष और संग दोष में आने से
भारतवासी नीचे गिरते चले गए। मनुष्यों के संग दोष में आने से नीचे गिरे, क्योंकि मनुष्य कहा जाता है मन वाले प्राणी को, जिसका मन चंचल होता है। तो मनुष्य किसका संग करे, जो मन एकाग्र हो जाए, एक का संग करे या सर्वव्यापी का संग करे, अनेकों का करे। तो सीधी सी बात, शेष स्थिति बनी रहे, संपूर्ण पवित्रता बनी रहे, ऐसी स्थिति के लिए क्या करना चाहिए, किसका संग करना चाहिए? एक का संग करना चाहिए। सब ताजे हरे भज, भक्ति मार्ग में भी कह देते हैं, लेकिन कहने वाले जानते नहीं है कि हरि है कहाँ। और यहाँ तो हम जानते भी हैं, मानते भी हैं, फिर भी किसके पीछे भज रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, ये देखना है। अगर एक के पीछे भाग रहे हैं, तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, अगर एक के पीछे भाग रहे हैं तो जरूर शेष स्थिति बनेगी, क्योंकि एक एवर प्योर है। एवर प्योर का संग करेंगे तो प्योरिटी श्रेष्ठ स्थिति में जाएगी, संपूर्ण पवित्रता जरूर धारण करेंगे। हिंदू से कन्वर्ट होकर के देवता बनते हैं क्या? उल्टा लिख दिया है, देवता से कन्वर्ट होकर के हिंदू बनते हैं कि हिंदू से कन्वर्ट होकर देवता बनते हैं? अगर हिंदू से कन्वर्ट होकर के देवता बनते हैं तो रंग बात है, डायरेक्ट देवता कोई नहीं बन सकता। ये कहेंगे कि हिंदू से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनते हैं असली, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। कौन से समय में, कब, जरूर कहेंगे संगम पर। संगम के आज में हिंदू से कन्वर्ट होकर के ब्राह्मण बनते हैं, और मध्य से लेकर के अंत तक नंबरवार ब्राह्मण से कन्वर्ट होकर देवता बनते हैं। कोई कोई मिलते हैं तो कहते हैं कि मैंने इस जन्म में कर्म तो बहुत अच्छे किए, किसी को दुख भी नहीं दिया है, न देते हैं, और हर किसी की मदद भी करते हैं, फिर भी भगवान ने हमें इतना दुख क्यों दिया है, जबकि हमारे सामने वाला इसके विपरीत आचरण करता है, बहुतों को दुख देता है, कोई की मदद करने के बजाय और ही ठोकर मारता है, फिर भी इतना सुखी क्यों है? प्रश्न करने वाला क्या भूल गया?
ये प्रश्न करने वाला क्या भूल गया? पुनर्जन्म की बात भूल गया। सिर्फ एक यही जन्म थोड़े ही है, आत्मा तो अनेक जन्म लेती है, अनेक जन्मों में अनेक प्रकार के अच्छे बुरे कर्म किए हैं। तो जो इस जन्म में अच्छे कर्म करते हैं, दूसरों को सुख भी देते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, फिर भी बहुत दुखी रहते हैं, तो उन्हें क्या समझना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कर्म अच्छे नहीं हैं, इसलिए हमको इस जन्म में दुख मिल रहा है। हम दूसरों को सुख देते हैं, फिर भी दूसरे हमें दुखी करते हैं, तो हम हल्के हो रहे हैं या पापों का बोझा चढ़ाए रहे हैं? हैं? हल्के हो रहे हैं, खुशी आनी चाहिए कि हमारा भविष्य अच्छा बन रहा है, आगे आने वाले समय में हम बहुत सुखी हो जाएंगे। कोई शराब पीता है और बहुत दुखी है, वो ज्ञान में आना चाहता है, तो क्या लाना चाहिए? अरे ज्ञान है काय के लिए? ज्ञान का उद्देश्य क्या है? है? ज्ञान का उद्देश्य है मुक्त करना दुख दर्दों से, इसलिए वेदों में ऋचा है ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के दुखों से मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान अर्थात सुमति, अज्ञान अर्थात कुमति। जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। ज्ञान सुखी बनाता है और अज्ञान दुखी बनाता है। तो कोई शराब पी रहा है, दुखी है, तो उसे ज्ञान में लाना अच्छा है ना? उसे ज्ञान सुनाएंगे, हो सकता है वो खुशी में आकर के शराब पीना भी छोड़ दे, क्योंकि मोस्टली आदमी शराब तब पीता है जब बहुत दुखी हो जाता है, कोई रास्ता नहीं मिलता गम गलत करने का। तो गम गलत करने के लिए वो शराब पीता है, झूठे नशे में आने के लिए। तो उसे नारायण का ज्ञान देना चाहिए, ये सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनानी चाहिए, जो नारायणी नशे में आ जाए। क्या हम बैनर आदि में प्रचार कर सकते हैं? काय का प्रचार? ईश्वरीय ज्ञान का। अगर ईश्वरीय ज्ञान का प्रचार करना है तो क्यों नहीं कर सकते? कोई गलत आत्मा के शिकार हो जाते हैं, उन्हें भूत प्रेत परेशान करते रहते हैं, तो ऐसी आत्माओं को उनके चंबल से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? है?
तांत्रिकों के चक्कर में फंस जाए, उनकी गिरफ्त में आ जाए, भूत प्रेत उसे परेशान करने लगे, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? भूत प्रेतों में और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर होता है? भूत प्रेतों को सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है और सामान्य मनुष्य में सूक्ष्म शरीर के साथ साथ स्थूल शरीर भी होता है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? हैं? सूक्ष्म शरीर में ज्यादा ताकत होती है, परंतु एक तीसरा और भी शरीर है, उसे कहते हैं कारण शरीर। जैसे वृक्ष का कारण है बीज, ऐसे ही मनुष्य के शरीर का कारण है आत्मा। तो बीज में ज्यादा ताकत होती है, जड़ों में ज्यादा ताकत होती है, तने में ज्यादा ताकत होती है, टहनियों में ज्यादा ताकत होती है, पत्तों फूल और फलों में ज्यादा ताकत होती है, हैं? बीज में ज्यादा ताकत होती है। तो जितना हम आत्मा बिंदु बीज की याद में टिकेंगे तो भूत प्रेत आत्माओं का कोई भी असर नहीं होगा। देवान में रहेंगे तो इनका असर हो जाएगा। इसलिए जब विनाश होगा, दुनिया में चारों तरफ मौत का बाजार लगेगा, उस समय के लिए भगवान बाप आकर के हम बच्चों को ये प्रैक्टिस कराए रहे हैं, क्या करो? अपन को आत्मा समझो। उस विनाश काल में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में आत्माएं एक क्षण में शरीर छोड़ेंगी। एटम बम फटा और बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज की बिल्डिंगें धराशायी हो जाएंगी। कितने अकाले मौत मरेंगे? जो अकाले मौत मरते हैं उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है, वो भटकेंगे और देह अभिमानियों में प्रवेश करेंगे। देह अभिमानी उनके प्रभाव में आ जाएंगे। जो आत्म की स्थिति वाले होंगे वो सेफ रहेंगे। और ये आत्म की स्थिति का फाउंडेशन डालने का वेला है अमृत वेला। अमृत वेला जितना हम ठोक ठोक के आत्मा को याद करेंगे, मैं आत्मा स्टार हूं, अपन को स्टार रूप में देखने की प्रैक्टिस करेंगे, वो प्रैक्टिस सारा दिन मजबूत बनी रहेगी, स्थिति को मजबूत बनाएगी। इसलिए भूत प्रेतों का प्रभाव अमृत वेले में नहीं होता है उतना जितना रात्रि के 12-1 बजे तक होता है। ये सूर्योदय की बेला है, बल्ब वो हद का अमृत बेला है, क्योंकि बेहद का अमृत बेला तो ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जब ज्ञान सूर्य संसार में उदय होता है।
ऐसे टाइम पर जो जितना प्रैक्टिस कर लेगा आत्म की स्थिति की, और ज्योतिबिंदु आत्मा से परमात्मा बाप दूर नहीं है, देवानी को बाप याद नहीं आवेगा, आत्माभिमानी को बाप फौरन याद आवेगा। क्या लिखा है मुरली में? बोला है मांगने से मरना भला, फिर भी मांग मांग करके क्या देते हैं? है? क्या मांग मांग करके क्या देते हैं? कर्जा, लोन लेते हैं। हाँ, लोन भी नहीं लेना चाहिए, लोन भी तो मांगना ही होता है। करो भैया वाला आपने, अरे पेट को क्या चाहिए? दो रोटी पुरुषार्थ करने के लिए चाहिए। भगवान ने हाथ पांव दिए हैं तो क्या सारे दिन में दो रोटी के लिए पाव भराठा नहीं कमा सकते? लेकिन अनेक प्रकार की इच्छाएं लेकर के जिंदगी में चलते हैं तो फिर भीख मांगना पड़ता है, लोन लेते हैं, नहीं तो लोन लेने की भी कोई दरकार नहीं है।